सो हेलो भाई लोग, आज जो मैंने इस टाइप की ब्रोकन हार्ट फोटो एडिटिंग, अगर आप लोग भी अपने फोटो को इस टाइप से एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो जरूर आप लोग लास्ट में आप लोग यहाँ पर इस टाइप की एडिटिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो से लाइक कर देना और इससे पहले चैनल नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वीडियो पसंद तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सिंपल वाले फोटो देख सकते हो, तो सबसे आप लोग यहाँ पर जो इस वाले फोटो को लाइटरूम पर शेयर कर लेना। तो हम लाइटरूम पर इस वाले फोटो को शेयर कर लेते हैं। तो लाइटरूम में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लाइट का एडजस्टमेंट कर लेना और यहाँ पर मैं आपको एक प्रीसेट देता हूँ हमेशा, ठीक है। जो ग्रीन प्रीसेट होता है उस वाले ग्रीन प्रीसेट के यूज़ कर लेना, आपका फोटो जो यहाँ पर एक क्लिक के अंदर एडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आपको मैनुअल तरीके से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस टाइप से भी कर सकते हो, यहाँ पर मैनुअल तरीके से यहाँ पर मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप, मैं यहाँ पर एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा देता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट को कम, हाइलाइट्स को कम एंड शेडो को बढ़ा लेते हैं, व्हाइट्स को कम एंड उसके ब्लैक को भी कम, उसके बैक कर लेते हैं। यहाँ पर जाते कलर्स के अंदर मिक्स के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो शेड को बढ़ा लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पर निमिनस को हल्का सा एंड दूसरे कलर के अंदर जाते हैं एंड इसका जो निमिनस को बढ़ाएंगे एंड इसके शेड को हल्का सा कम, ठीक है। एंड दूसरे कलर के अंदर जाएंगे, इस बड़े कलर के अंदर इस शेड को 100% कर लेंगे एंड इसको ग्रीन कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो इसको कम भी कर सकते हो, अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इस टाइप से रख लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो सेटिंग इस टाइप से अभी रख लेना। एंड यहाँ पर जो है ग्रीन का भी यहाँ 100% कर लेता हूँ एंड इसका जो है हल्का सा बढ़ा लूँगा एंड इसका भी बढ़ा लेता हूँ एंड इसको हल्का सा कम एंड इसको भी हल्का सा कम एंड इसके यहाँ पर डन। और उसके यहाँ से बैक एंड इफेक्ट के अंदर जाएंगे एंड क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, टेक्स्चर को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इसको जो डिहेंस को भी हल्का सा बढ़ा देंगे एंड इसके बैक कर लेंगे। एंड देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो इस वाले फोटो को हम शेयर कर लेंगे आप सनअपसेट एप्लीकेशन के अंदर। तो हम सनअपसेट पर इस वाले फोटो को शेयर कर लेते हैं। तो सनअपसेट में आने के बाद आप लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टूल्स के अंदर जाना एंड टू इमेज पर क्लिक कर लेना एंड ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना, कॉन्ट्रास्ट को कम, यहाँ पर एम्बियंस को बढ़ा देना एंड शेड को हल्का सा बढ़ा देना इस टाइप से एंड इसके जो है हाईलाइट्स को हल्का सा बढ़ा देना एंड इसकी शेडो को भी एंड इसके यहाँ पर डन। डन करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है सेलेक्टेड टूल की यूज़ कर लेना, जहाँ पर ब्लैक के पास इसको सिलेक्ट करके इस तरह से ब्राइटनेस को बढ़ा देना एंड इसके यहाँ पर डन कर लेना। डिटेल्स को हल्का सा बढ़ा देना एंड इसको डन कर लेना एंड यहाँ से आपका काम हो गया सिंपल तरीके से। एंड यहाँ पर और एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आपको विगनेट दिख रहा है तो विगनेट को हल्का सा यहाँ पर इस टाइप से कर लेना एंड इसके यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इस टाइप से एंड इसके यहाँ पर डन कर लेते हैं। एंड अभी फोटो और भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ से आपका काम हो गया। तो सिंपल तरीके से आप लोग इस वाले फोटो को शेयर कर लेना ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो ऑटोडेस्क में आने के बाद आप लोग यहाँ पर फेस को स्मूथ करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है ब्रश के अंदर जाना एंड यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर सकते हैं। फेस स्मूथ के लिए बहुत ही अच्छा ब्रश है, सेटिंग करना जाना एंड यहाँ पर इस टाइप से सेटिंग रख लेना, ठीक है। एंड यह ब्रश की साइज को देख लेना, ठीक है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग। एंड मैं फोटो कर लेता जूम एंड ब्रश की साइज को देख लेता है, इस टाइप से रख लेता हूँ एंड इस टाइप से मैं स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग स्मूथ हो रहा है। तो इस टाइप से मैं जल्दी से कर लेता हूँ और तब तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेस की स्मूथ करना कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ पर कुछ पीसेस आपको यहाँ पर दे दूंगा, तो इस बार पीसेस को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस पीसेस को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बार पीसेस की यूज़ कर लेता हूँ एंड आप लोग इसको हेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसको डन कर लेता हूँ, मैं बस इसको यहाँ पर हेयर की यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बस यहाँ पर जो है पैंडिस की यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर लेता हूँ। एंड मैं इसको सेट कर लेता हूँ फोटो को एंड इसको अभी जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर करना है अपने फोटो के अकॉर्डिंग एंड इसके यहाँ पर डन कर लेना, ठीक है। एंड अभी इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इस साइड में थोड़ा बाकी है, तो इस साइड में हम इसको हल्का सा ट्रांसफॉर्मर कर लेंगे, ऐसे करके ट्रांसफॉर्मर कर लेंगे एंड इसको डन कर लेते हैं एंड इसको अभी इसको एडजस्ट कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है।
एंड इसके इतना बस इरेज कर लेना एंड ब्रश के अंदर जाना एंड अभी आप लोग इस वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना एंड सेटिंग देख सकते हो। इस टाइप से आपको सेटिंग रख लेना है एंड इसको अब जो है इस टाइप से इरेज कर लेना, ठीक है, इस टाइप से इरेज कर लेना। देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक से लग रहा है। अभी जो है इस साइड में हल्का सा कर लेते हैं एंड यहाँ से जो आपको ऊपर ऊपर के साइड में इस साइड में करना है इस टाइप से, ठीक है, जो एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से लगे, ठीक है, एकदम रियल से लगेगा, ठीक है, जैसे कि आपका रियल वैंडिस है उस टाइप से लगेगा। देख सकते हो अभी बाल थोड़ा ऊपर आ गया, मतलब एकदम रियल लग रहा है, ठीक है, इस टाइप से आप लोग लगा सकते हो एंड ऐसे हो गया। एंड और ये आपको पीस इसका यहाँ पर ऐड करना है तो मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला पीस है इसके यहाँ पर जो इस टाइप से रख लेता हूँ, इसको डन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको स्क्रीन कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोगों को एंड इसको आप लोग यहाँ पर जो है इस टाइप से रख लेना। इसको डन करने के बाद इसके एक डुप्लीकेट बना लेना एंड आप लोग यहाँ पर जो है इस टाइप से इस साइड में रख लेना, ठीक है, ऐसे करके रख लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी इस टाइप से कर लेना एंड इसको भी डन कर लेना एंड ब्रश की साइज को हल्का सा छोटा कर लेना इस टाइप से एंड इस टाइप से आप लोग यहाँ पर इरेज कर लेना एकदम, ठीक है, जैसे कि ये नीचे से आ रहा है, ठीक है, अभी देख सकते हो और भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है एंड यहाँ पर आपको और एक पीस इसको यहाँ पर ऐड करना है, जो ये वाला पीस है इसको डन कर लेते हैं। इसको आप लोग जहाँ चाहो अपने मन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको लगा सकते हो, ठीक है, लोग जहाँ चाहो वहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैं लगा कर देख लेता हूँ एंड इसके ऊपर डन कर लेता हूँ एंड इसको जो अभी नीचे कर लेता हूँ एंड देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक सा लग रहा है। एंड और एक पीस आपको यहाँ पर ऐड करना है, ये वाला पीस है ब्रोकन वाला, इसको इस साइड में रख लेते हैं, डन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आपको और एक पीस इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, जो लाइट वाला पीस है उसको यहाँ पर ऐड करना है, इसके यहाँ पर रख लेते हैं, इसको डन कर लेते हैं एंड इसको स्क्रीन कर लेंगे अभी एंड देख सकते हो गया है, ठीक है, इस टाइप से रख लेते हैं एकदम, इसको डन एंड इसका अभी आपका जो है चेसी उसका बढ़ा लेना है, ठीक है, फोटो का इस टाइप से। इसका जो एक ट्रिक है जो आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे ट्रिक को यूज़ करना है, पहले आपको इसको रीसेट कर लेते हैं हम और उसको डन कर लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसका अभी आपको शेसेज को 100% कर लेना है, ठीक है, और उसको डन कर लेना है एंड अब ब्रश के अंदर जाना है, ठीक है, एंड इसको जो है हल्का सा बढ़ा देना है ब्रश के साइज को एंड यहाँ से जो है आप लोग इसका इरेज कर लेना, ठीक है, फेस का जो है कलर जो आपको इरेज कर लेना है इस टाइप से। ये वाला ट्रिक आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना, ठीक है, एंड देख सकते हो एकदम बहुत ही अच्छे से लग रहा है, ठीक है, जैसे कि लोगों को लगे प्रीसेट यूज़ किया लेकिन अब लोग प्रीसेट यूज़ नहीं किया, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसकी यूज़ कर लेना एक बार एंड देखना। इसका मैं ऑपेसिटी को हल्का सा कम कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग इसकी स्क्रीन भी कर सकते हो और भी अच्छा होगा, ठीक है, इस टाइप से एंड इसको बड़ा कर लेता है एंड देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग एक बार लाइटरूम में जाके इसको एडिट करोगे तो आपका फोटो और भी ज़्यादा कमाल के लगने लगेगा, ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया तो आज के वीडियो भी इतना, ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना और मैं ऐसे वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नाम ले, ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।